तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं श्रीका, में जान दे दूँगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी बता दें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाकी और भाषणों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं इसलिए पिछले दिनों उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड से निकाल दिया गया है लेकिन नितिन गडकरी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं गडकरी को लेकर एक ऐसा बयान सामने आ रहा है जिसको लेकर भाजपा में भूचाल मचा हुआ है कांग्रेस नेता ने नितिन गडकरी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया है जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी अब कांग्रेस शामिल हो जाएंगे जिसका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है लेकिन यह वीडियो काफी पुराना है जिसमें गडकरी यह कहते हुए सुने गए कि वो कुएं में कूद जाएंगे लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे उनका ये बयान नागपुर से आया है जहाँ उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही थी नितिन गडकरी ने याद करते हुए कहा कि वो जब छात्र नेता थे तब कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा मैंने श्रीकांत से कहा कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद ही नहीं है हारने पर कोई इंसान खत्म नहीं होता लेकिन जब हार मान ली जाती है तो वो खत्म हो जाता है वहीं केंद्रीय मंत्री ने उद्यमियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जो कोई भी व्यवसाय सामाजिक कार्य या राजनीति में है उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है इसलिए किसी को भी इस्तेमाल करो फेंको की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए दिन अच्छे हो या बुरे जब एक बार किसी का हाथ थाम लिया तो उसे थामे रहना चाहिए उगते हुए सूरज की पूजा नहीं करनी चाहिए ज्ञात हो गडकरी ने पिछले दिनों अपने आलोचकों और मीडिया वर्ग को आड़े हाथों लिया था उन्होंने कहा था कि राजनीतिक फायदे के लिए उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें पद का कोई लालच नहीं है वह जाए तो चला जाए उनके इस बयान को आम आदमी पार्टी के एक नेता ने ट्वीट करते हुए कहा था की आखिरकार गडकरी ऐसा क्यों कह रहे हैं बीजेपी में बहुत गड़बड़ चल रही है उसके बाद मीडिया में उनके पद छोड़ने की खबरें भी चलने लगी इन सभी खबरों को भ्रामक बताते हुए उन्होंने न मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तक की चेतावनी दे दी थी